मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हमारी एप्पल बेर पे होगी और इन्हें इंग्लिश में जुजुबे फ्रूट कहते हैं। तो मैं एक नर्सरी से एक प्लांट ले आया था, देखिए इस पॉट में, बड़े से पॉट में ये प्लांट मैं ले आया था। तो काफ़ी अच्छी इसकी करीब ये 5 फिट का प्लांट है, तो इसकी मतलब ये मुझे अच्छा मिल गया, 300 रुपीज़ का मिल गया था मुझे। तो मैंने यही प्लांट इसलिए लिया है क्योंकि इसमें पहले से ही 2 ईयर की ग्रोथ है। तो जैसे कि अब आप जैसे छोटा प्लांट लेते हैं तो उससे पहले मतलब उसका साइज़ बढ़ेगा थोड़ा, तो उसमें टाइम लगता है। अगर फ्रूट आ भी जाएँ तो वो जैसे उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो फ्रूट के वेट से टूट सकती हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आपको जितना बड़ा फ्रूट प्लांट मिल जाए तो उतना अच्छा है। तो मैंने इसलिए ये लिया है क्योंकि इसकी इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है पहले से ही। तो अब मुझे ये आराम से मतलब इसकी ज़्यादा केयर करनी नहीं पड़ेगी, तो इसलिए मैंने ये वाला ट्री लिया है। तो आइए अब हम इसे इस बड़े से पॉट में, मैंने ये बड़ा सा पॉट ले लिया है पहले से ही, इसमें मैंने सॉइल फिल करके रखी हुई है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सॉइल कैसे बनानी है। तो ये देखिए, तो हमने इसमें सॉइल ले लिया है। तो अब हम इसमें काउ डंग ऐड कर देंगे, देखिए ये देखिए। तो इसमें हम थोड़ा सा बोन मील डाल देंगे, देखिए इसमें हम थोड़ा सा एनपीके भी ऐड कर देंगे, ये देखिए एनपीके नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम होता है इनकी फुल फॉर्म। तो और इसमें से हम थोड़ी सी ये जो हमारे पास नीम ऑर्गेनिक कंपोस्ट है तो हम ये भी थोड़ी सी इसमें ऐड कर देंगे। तो हम अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, देखिए। तो ये जो मैंने काउडंग लिया है ये अच्छे से डिकम्पोज हो चुकी है, ये देखिए अच्छे से। तो देखिए ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिए। आइए अब इस पॉट में से इस प्लांट को हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने ये प्लांट पॉट से निकाल लिया है। तो अब हम इसकी थोड़ी सॉइल लूज़ कर देंगे, ये देखिए नीचे से थोड़ी सी लूज़ कर देंगे। तो ये मैंने चारों साइड से हल्की हल्की लूज़ कर ली है, ये देखिए। देखिए तो अब इसे आराम से उठा के हम यहाँ पे इस कंटेनर के मिडल में रख देंगे। तो ये देखिए, तो आपको ये देखना है कि जो आपका प्लांट हो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट हो और कंटेनर के बिल्कुल मिडल में हो। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से, ये बिल्कुल अच्छे से, ये देखिए अच्छे से इस कंटेनर में हमने रख दिया। देखिए हमने अच्छे से इस प्लांट को इस पॉट में रख दिया है बीच में। तो अभी से थोड़ी सी इसकी सॉइल लूज कर देंगे हल्की सी, ये देखिए हमने लूज कर दिया है। और अब इसमें हम सॉइल इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए जो हमने ये सॉइल का मिक्सचर बनाया है, कंपोस्ट इसमें डाली है हमने, बोन मील डाली है और क्या कहते हैं इसमें हमने एनपीके डाला हुआ है। तो हम इसमें अब इसे ऊपर से डाल देंगे, देखिए हमें अच्छे से ये ऊपर तक फिल कर देना है, देखिए।
तो ये देखिए हमने अच्छे से स्पॉट को फिल कर दिया है पूरा अच्छे से। इसे थोड़ा सा हाथ से इसे दबा देंगे जिससे कि जो एयर पॉकेट्स हैं वो इसमें हट जाएं इससे। तो अब ये अगले सीज़न में ही इसमें फ्रूट लगेंगे, तो जब तक ये जो जितनी भी स्पेस है हमारे पास ये वेस्ट हो जाएगी, तो इसे हम यूटिलाइज़ करने के लिए इसमें हम कुछ छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं। तो मैंने ये रोमेन लेटस के सीडलिंग्स लिए थे नर्सरी से, तो हम इसमें ये लगा देंगे। देखिए तो हमें करीब करीब 4-5 इंचेस का गैप रखना है टू प्लांट्स के बीच में। देखिए देखिए मैंने ये दो होल कर लिए, तो करीब करीब इसमें 5 हम सीडलिंग्स ग्रो कर लेंगे। देखिए तो मैंने ये 5 होल्स कर लिए हैं इसमें। अब ये सीडलिंग्स इसमें हम आराम से ऐसे लगा देंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे ये हम सारी सीडलिंग्स लगा लेंगे। ये देखिए तो इन्हें लगाना बहुत ही इजी है। देखिए कितने आसानी से ये लगते जा रहे हैं। जैसे ये हमारी लीफ, इसे तोड़ लेते हैं, बाकी दो को भी हम ऐसे ही लगा देंगे। तो ये देखिए हमारे नीचे जो हमारे हम पे स्पेस था हमने वो भी उसका भी यूज़ कर लिया है। तो देखिए कितने अच्छे से हमने ये रोमेन लेटस इसमें लगा दिए। तो जब तक इसमें हमारे इस जुजुबे प्लांट में फ्लावर आएंगे तब तक ये हमारे हमें से पूरा यूज़ कर चुके होंगे, मतलब इसे पूरा हम हार्वेस्ट कर चुके होंगे अपने लेटस को। तो इसमें इससे प्लांट की ग्रोथ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब हम इसमें अच्छे से वाटर दे देंगे। तो ये देखिए इसमें आराम से वाटर दे दें आप। तो इसमें हमने अच्छे से वाटर दे दिए। देखिए कितने ये कितने अच्छे से इसमें लेटर्स हमने ग्रो कर दिए। देखिए ये देखिए देखिए तो मैंने एक और अपने पहले भी एक मैंने जुजुबे फ्रूट अपने टेरेस गार्डन में लगा रखा है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये देखिए तो इसमें फ्रूट भी लग रहे हैं अभी। ये देखिए तो ये इंडियन ग्राफ्टेड जुजुबे प्लांट है मेरा, तो इसमें भी काफ़ी अच्छे बड़े बेर जुजुबे फ्रूट लगते हैं, लेकिन ये एप्पल बेर नहीं है। तो मेरे पास एप्पल बेर नहीं था, तो मैंने आज वो भी अपने गार्डन में ऐड कर लिया है। तो देखिए इसमें कितने सारे फ्रूट्स लग रहे हैं। तो ये भी मैंने पॉट में ही लगा रखा है। ये देखिए और मैंने उस पॉट को भी यूज़ कर रखा है, तो मैंने उसमें अनियन लगा रखी है। तो आज के लिए इतना ही। तो होप करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल अर्बन गार्डनर को सब्सक्राइब कीजिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।